गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द AIS द गुरुकुल इन सेकंड क्लास। टुडे वी स्टडी हिंदी चैप्टर 5th, जंगल की डोर। तो लिसन टू मी ऑल ऑफ यू, टेक आउट योर हिंदी नोटबुक एंड ओपन योर बुक पेज नंबर 23, लेसन 5। ठीक है, देखिए। एक दिन जंगल के राजा, आज हम लेसन पढ़ रहे हैं, इससे पहले हमने 4 लेसन कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इससे पहले शब्दार्थ कर लेते हैं, जिससे कि हमें लेसन पढ़ने में आसानी होगी। फर्स्ट देखिए, शब्दार्थ में प्रश्न यानी सवाल, सेकंड आसान यानी सरल, थर्ड में अंतिम यानी आखिरी, फोर्थ में उत्साह यानी जोश, फाइव में देखिए तेज यानी फुर्तीला, सिक्स में आयोजन यानी प्रबंध या तैयारी, छुट्टी, सेवन में यानी अवकाश, एट में घोषणा यानी ऐलान, नाइन में तय यानी निश्चित, टेन में प्रथम यानी पहला, इलेवन में छोर यानी सीमा, और ट्वेल्थ में मित्र यानी दोस्त। ओके, और हम लेसन में पढ़ते हैं क्या दे रखा है, जंगल की दौड़। एक दिन जंगल के राजा शेर के मन में यह प्रश्न उठा, क्या उठा, प्रश्न यानी सवाल उठा कि जंगल के इन जानवरों में सबसे तेज कौन दौड़ता है, सबसे तेज यानी फुर्तीला कौन है, सबसे तेज कौन दौड़ता है। शेर के मन में यह सवाल उठा एक दिन। ठीक है, तो देखिए, उसने अपने मंत्री गीदड़ को बुलाया, उसके कौन मंत्री था, गीदड़, और कहा, मंत्री जी हमारे मन में एक प्रश्न है। क्या है कि शेर बोल रहा है गीदड़ से, जो मंत्री हैं गीदड़ उनसे, कि हमारे मन में क्या है, एक प्रश्न है या एक सवाल है, हम ये कैसे जाने कि हमारे राज्य में सबसे तेज कौन दौड़ता है, कि हम ये कैसे जान सकते हैं कि हमारे राज्य में सबसे फुर्तीला इंसान या सबसे फुर्तीला एनिमल या सबसे तेज कौन दौड़ता है। ये बोल रहा है राजा, जो जंगल का राजा शेर होता है, वो मंत्री गीदड़ से बोल रहा है। गीदड़ बोला, महाराज ये तय करना तो बहुत ही आसान है। गीदड़ वापस जवाब दे रहा है कि महाराज ये तो तय करना यानी तय का अर्थ होता है ये तो निश्चित करना बहुत ही आसान यानी बहुत ही सरल है। ये तो जो तय कर रहे हो ये तो बहुत ही आसान है, या आप जो सोच रहे हो ये निश्चित करना बहुत ही क्या है, आसान है। हम एक दौड़ का आयोजन कराएंगे, हम क्या करेंगे, एक दौड़ की प्रतियोगिता रखेंगे। जो उस दौड़ में प्रथम आएगा उसे सबसे तेज दौड़ने वाला विजेता माना जाएगा, जो उस दौड़ में फर्स्ट रैंक पाएगा वह उसका विजेता माना जाएगा, यानी वह उसका जो फर्स्ट रैंक पाएगा वही उसका विजेता माना जाएगा। ठीक है, आयोजन कराएंगे यानी आयोजन का अर्थ होता है प्रबंध, यानी हम एक तैयारी करवाएंगे, एक दौड़ करवाएंगे, जो उसमें फर्स्ट स्थान पाएगा उसको ही हम विजय मानेंगे, विजेता मानेंगे। ठीक है, राजा को ये बात बहुत ही पसंद आई, जो शेर था उसको ये बात बहुत पसंद आई। बस फिर क्या था, जंगल में दौड़ की तैयारी होने लगी। जंगल में क्या हुआ है, राजा को ये बात पसंद आ गई गीदड़ की, और उसने ये है एक दौड़ का आयोजन करवाया, और उसको ये बात पसंद आ गई, और उस जंगल में क्या हुआ है, जोरों शोरों से दौड़ की तैयारी की शुरू होने, बहुत सारी दौड़ हुई, बहुत ज़्यादा दौड़, बहुत सारी सभी जानवर धीरे धीरे दौड़ से बाहर होते गए, जो पीछे हटता गया वो दौड़ से बाहर होता गया। अंत में बचे चीता और बारहसिंगा, जब लास्ट में कौन बचे, दो चीता और बारहसिंगा। अंतिम दौड़ की तैयारी होने लगी, यानी लास्ट में दो बचे थे ऐसे चीता और बारहसिंगा। धीरे धीरे जब सब पहले जो दौड़ हो रही थी उसमें सब निकलते गए, जो पीछे हट रहे थे, लास्ट में चीता और बारहसिंगा बचे, उनकी फिर से अब दौड़ कराई जा रही है, यानी अंतिम यानी आखिरी। फिर दौड़ का दिन आया, यानी जिस दिन दौड़ करानी थी वो दिन आया, और उस दिन रविवार था, उस दिन क्या था, रविवार था, और जंगल में छुट्टी थी, रविवार के दिन छुट्टी होती है। सारे दिन सारे जानवर इकट्ठे हुए, सब लोग इकट्ठे हुए थे, चीता और बारहसिंगा दौड़ के लिए तैयार थे, चीता और बारहसिंगा क्या थे, दौड़ने को तैयार थे। एक बड़े नीम के पेड़ के पास दौड़ शुरू हुई, क्या हुई, एक बड़े नीम के पेड़ के पास से क्या हुई, दौड़ को स्टार्ट किया गया। दोनों को मैदान से होकर पहाड़ी के दूसरे छोर तक जाना था, यानी दोनों को बीच में एक मैदान आएगा, एक नीम के पेड़ से स्टार्ट होकर बीच में एक मैदान आएगा, और पहाड़ी के उस छोर यानी छोर का होता है यहाँ पे सीमा, पहाड़ी की सीमा तक जाना था, उस ओर दूसरे छोर पे यानी दूसरी छोर तक, लास्ट सीमा तक। दौड़ के अंत वाले स्थान पे गीदड़ और उसके साथियों को खड़ा किया गया, दौड़ में जो सबसे लास्ट में जहाँ पे जाना था, जहाँ से स्टार्ट होकर लास्ट में जहाँ तक जाना था वहाँ पे उसके साथियों को खड़ा किया। खरगोश झंडा लिए नीम के पेड़ के पास खड़ा था, जहाँ से स्टार्ट हुई वहाँ कौन था, खरगोश, और जहाँ लास्ट में कौन खड़ा था, गीदड़। ठीक है, आगे देखिए, जहाँ से स्टार्ट हो रही वहाँ तो खरगोश, और जहाँ लास्ट में यहाँ तक जाना है पहाड़ी की सीमा के उस छोर तक
होकर वहाँ पे खड़ा है गीदड़। उसने झंडा हिलाते हुए कहा तैयार रहो, मतलब जो खरगोश था उसने कहा, झंडा हिलाया यानी दौड़ स्टार्ट हो रही है, तैयार हो, फिर बोला भागो भागो। सुनते ही बारह सिंह और चीता दौड़ पड़े यानी दौड़ स्टार्ट हो गई दोनों। जब उन्होंने खरगोश ने हरी झंडी दिखा दी, सॉरी झंडी दिखा दी, और वो दोनों तैयार हो गए भागने के लिए। ठीक है, आगे देखिए, सारे जानवर उत्साह से चिल्ला रहे थे, उत्साह यानी सब चिल्ला रहे थे भागो भागो, या उनका नाम ले रहे थे, जैसे कि आप उनको हौसला देते हो ना कि भागो और भागो, मोटिवेशन करते हो, इसी तरीके से सारे जानवर उत्साह उत्साह से चिल्ला रहे थे। ठीक है, आगे देखिए, कोई चीते के साथ था तो कोई भारत सिंह के, सही है, कोई किसी के साथ होता है तो कोई किसी का नाम, दोनों के नाम जोरों से चिल्ला रहे थे। बारह सिंह कुछ ही देर में चीते से आगे हो गया, कौन आगे हुआ, बारह सिंह। लग रहा था कि जैसे वही दौड़ जीतेगा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि दौड़ तो बारह सिंह ही जीतेगा। उसके रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर आ गया, क्या आ गया, बारह सिंह बहुत तेज दौड़ा था, वह चीते से आगे निकल गया। सबको यही लग रहा था कि बारह सिंह जीतेगा, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, एक बीच में पत्थर आ गया, हम दौड़ के जोश में वह उसे ना देख सका और उससे टकरा कर क्या हुआ, गिर गया वह। उस दौड़ के जोश में सब लोग चिल्ला रहे थे, वह आगे बढ़ चुका था, उसमें इतना जोश आ गया था कि उस पत्थर को नहीं देख पाया और वह गिर गया। चीते ने यह देखा कि उसे रहा नहीं गया, चीते ने यह देखा कि आज वो बारह सिंह जी तो गिर गए, मैं तो जीत सकता हूँ, वो आगे दौड़ने के बदले वह बारह सिंह के पास रुक गया। अरे सॉरी, उसने ये देखा तो उससे रहा नहीं गया, मतलब सही है, मित्र हैं, साथ रहते हैं एक जंगल में, उसने यह देखा तो वह उससे रहा नहीं गया और उसने बारह सिंह के पास ही क्या हुआ, चीता रुक गया, बारह सिंह के पास गया। बारह सिंह दर्द से तड़प रहा था, दर्द हो रहा था उसको। चीते ने बारह सिंह को उठाया और उसे लेकर वहाँ पहुँचा, और चीते ने क्या किया, बारह सिंह को उठाया और वहाँ से लेकर वह उसको वहाँ तक पहुँचा जहाँ जाना था, जहाँ राजा और बाकी जानवर थे, जहाँ राजा और कौन थे, बाकी जानवर। यह देखकर सभी जानवर चीते के पास आ गए, यह देखकर सभी जानवर चीते के पास आ गए। सभी जानवरों ने उसे दौड़ पूरी करने के लिए कहा, लेकिन सभी जानवरों ने और उसको जीतने के लिए कहा कि तुम दौड़ सकते हो, बारह सिंह जी तो गिर गए, उनकी लग गई है। मगर चीते ने नहीं माना, उसने कहा मेरा मित्र घायल है, मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊँगा, यानी मेरा जो मित्र है चोट लग गई है उसको, वो घायल है, मैं उसको छोड़कर थोड़ी जा सकता हूँ। राजा ये सब देखकर बहुत प्रसन्न हुए, उसने चीते की पीठ थपथपाई और घोषणा की कि चीता हार कर भी जीत गया। वेरी गुड, देखिए मतलब उसके काम की इतनी प्रशंसा की गई, किस तरीके से उसने चीते बारह सिंह को उठाया और वहाँ तक लेके आया, और लास्ट में उसको जानवरों ने भी बोला कि तुम जीत सकते हो, लेकिन उसने मना कर दिया कि मेरा मित्र घायल है, मैं क्या करूँगा दौड़कर, तो मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊँगा। यह देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसकी चीते की पीठ थपथपाई और वो हार कर भी जीत गया। ये घोषणा की कि चीता वही सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर था, बारह सिंह भी बहुत प्रसन्न था, उसने हारने का कोई दुख नहीं हुआ, वह सच्चा मित्र जो मिल गया था। वेरी गुड, कि मतलब सच्चा मित्र मिल गया था, वह हार कर भी चीता जीत गया और उसने बारह सिंह को नहीं माना। अब देखिए, आपको टिक द गाइड ऑप्शन करने हैं और शब्दार्थ करने हैं। शब्दार्थ पेज नंबर आपके दे रखे हैं 25 पे, ठीक है, 25 पे जो पेज शब्दार्थ दे रखे हैं वो आपको नोटबुक पर करने हैं, लेसन का नाम डाल के, लेसन नंबर डाल के, डेट और डेट डाल के पहले शब्दार्थ करने हैं, फिर आपको टिक द गाइड ऑप्शन करने हैं। टिक द गाइड शब्दार्थ तो आप बुक के देख के कर लेना, टिक द गाइड ऑप्शन के लिए मैं देख तो आंसर लिख रही हूँ, आप बुक में लगा लीजिए और बुक की सहायता से ही टिक द गाइड ऑप्शन भी कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए, जंगल में सभी जानवरों में सबसे तेज कौन दौड़ता था, यह प्रश्न किसके मन में होता, यह प्रश्न उठता शेर के मन में। ठीक है, ए में दे रखा गीदड़ के, बी में दे रखा चीते के, सी में दे रखा है शेर के, तो फर्स्ट में टिकअप में हो जाएगा शेर, आपको बुक की सहायता से कर लेने हैं शेर के। ठीक है, इस टाइप से आंसर लिख देना। सेकंड देखिए, मैं थर्ड वाला करा रही हूँ क्वेश्चन।